हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो हम करेंगे नीडेड टू वर्ड। ये वर्ड नहीं है, बेसिकली बता दूं, नीडेड टू का मतलब होता है जैसे, मतलब नहीं, सेंटेंस में कैसे यूज होता है, मतलब सेंटेंस बनाने में मतलब से कोई मतलब नहीं, अच्छी राय में। तो नीडेड टू का मतलब क्या होता है, वो होता है हमारा सब, मतलब नहीं यार, सब्जेक्ट नीडेड टू डू समथिंग, सब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत है या नहीं, ये नीडेड है, थी होगा, सब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत थी पास्ट में, नीडेड टू। तो अब हमें इसका मतलब, सब्जेक्ट को कुछ करने की जरूरत थी, जैसे हमें पानी पीने की जरूरत थी, हमें कंप्यूटर चलाने की जरूरत थी, हमें दवाई लेने की जरूरत थी, ऐसी बहुत सेंटेंस होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो हम उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आज की वीडियो में वही सीखेंगे। तो मतलब पहले इसके फॉर्मेट देख लो, स्ट्रक्चर कैसे होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो गया हमारा सिंपल, फिर हो गया नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस नीड। ये अब सोचो, मैंने स्टार्टिंग में नीडेड कहा, उसके बाद मैं नीड लगा रहा हूँ, जब हम को जैसे पास्ट में नीडेड, जब डिडंट यूज कर रहे हैं, जब हम एक पास्ट फॉर्म पहले यूज कर रहे हैं, तो फिर हम नीडेड क्यों लिखेंगे, फिर हमें फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी वर्ब की, हमें सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। तो अब मैं आपको इसकी कुछ बताता हूँ, ये कैसे यूज होगा। हमें गांव जाने की जरूरत थी, वी नीडेड टू गो टू विलेज, हमें गांव जाने की जरूरत नहीं थी, वी डिडंट नीड टू गो टू विलेज, क्या हमें गांव जाने की जरूरत थी, डिड वी नीड टू गो टू विलेज, क्या हमें गांव जाने की जरूरत नहीं थी, डिडंट वी नीड टू गो टू विलेज, हमें पढ़ने की जरूरत थी, वी नीडेड टू स्टडी, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, वी डिडंट नीड टू स्टडी, क्या हमें पढ़ने की जरूरत थी, डिड वी नीड टू स्टडी, क्या हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, डिडंट वी नीड टू स्टडी, हमें भागने की जरूरत थी, वी नीडेड टू रन, हमें भागने की जरूरत नहीं थी, वी डिडंट नीड टू रन, क्या हमें भागने की जरूरत थी, डिड वी नीड टू रन, क्या हमें भागने की जरूरत नहीं थी, डिडंट वी नीड टू रन, मुझे खेलने की जरूरत थी, आई नीडेड टू प्ले, मुझे खेलने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीड टू प्ले, क्या मुझे खेलने की जरूरत थी, डिड आई नीड टू प्ले, क्या मुझे खेलने की जरूरत नहीं थी, डिडंट आई नीड टू प्ले, मुझे स्कूल जाने की जरूरत थी, आई नीडेड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, आई डिडंट नीडेड टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाने की जरूरत थी, डिड आई नीड टू गो टू स्कूल, क्या मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी, डिडंट आई नीड टू गो टू स्कूल, हमें भागने की जरूरत थी, वी नीडेड, हमने कर लिया रन वाला, नहीं, हमें भागने की जरूरत थी, वी नीडेड टू रन, हमें भागने की जरूरत नहीं थी, वी डिडंट नीड टू रन, क्या हमें भागने की जरूरत थी, डिड वी नीड टू रन, क्या हमें भागने की जरूरत नहीं थी, डिडंट वी नीड टू रन। सो गाइस, जो ऐसे टाइप के सेंटेंस होते हैं वो कहलाते हैं हमारे नीडेड टू सेंटेंसेस। इनमें हमें कैसे यूज़ करना होता है, हमें पहले अपने आप से, मतलब जो हमें नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी है, आपको सीखनी भी नहीं पड़ती और सीखनी भी पड़ती है, आप कब सीख जाओगे आपको भी पता नहीं चलता, और आप सीखते रहते हो आपको भी बहुत बड़ा टाइम लगता है, आपको सीख मतलब आपको समझ में नहीं आती है, आपको आती ही नहीं है, तो इसकी दिक्कत होती है लोगों को। सो हमारे चैनल को अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा उसके लिए ऑल पे कर दो, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।